हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास नाइन्थ का गद्य खंड का चैप्टर टू है, बुक का नाम है क्षितिज। और इस चैप्टर टू के जो राइटर हैं राहुल शंकरतायन जी, इनके बारे में बताएंगे और इनके द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है लासा की ओर। तो पहले हम इन चैप्टर के जो राइटर हैं, जो जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, उनके जीवन परिचय के बारे में बताते हैं। राहुल शंकरतायन जी हिंदी साहित्य के महान साहित्यकारों में से एक थे। और स्टूडेंट, इनका जन्म 1893 यानी कि 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंधा नामक गांव में हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई काशी, आगरा, लाहौर में रहकर पूरी की और 1930 में इन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया श्रीलंका जाकर, और तब इनका नाम बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उसके बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल शंकरतायन कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनकी प्रमुख रचना, और इनका जो देहांत हुआ सन 1963 यानी 1963 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। इनकी रचनाएं हैं जैसे बोलगा से गंगा, 22वीं सदी, दर्शन दिग्दर्शन, दिमागी गुलामी, अनेक सारी रचनाएं इन्होंने लिखी। और इनकी जो साहित्यिक विशेषताएँ थीं, राहुल जी जो थे वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में घूमने फिरने से संबंधित जीवन के संघर्षों पर प्रकाश डाला है। ठीक है स्टूडेंट, इसी से संबंधित इनका जो चैप्टर है लहासा की ओर, वो इन्होंने लिखा है। अब इनकी भाषा शैली कैसी थी? राहुल शंकरतायन जी की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इनके द्वारा जो लिखा हुआ चैप्टर है वो है लहासा की ओर। लहासा की ओर पाठ का परिचय क्या है स्टूडेंट? इन्होंने जो अपने चैप्टर में लिखा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यानी कि इन्होंने एक वृत्तांत लिखा है जिसमें इन्होंने लिखा है कि अपनी पहली तिब्बत यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत किया है। यानी सन 1929 और 30 में लेखक नेपाल के रास्ते तिब्बत गया। ठीक है स्टूडेंट, उस समय की घटनाओं का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। और उस समय भारतीयों को चीन यात्रा की अनुमति नहीं होती थी, जिसके चलते भारतीयों को तिब्बत जाना वर्जित था। यानी लेखक को वहां पहुंचने के लिए भिखारी का वेश धारण करना पड़ा था। इस यात्रा वृतांत में यानी इस यात्रा के वर्णन में उन्होंने तिब्बत समाज के बारे में जानकारी तो दी है, साथ ही साथ उन्होंने हमारी राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम व जटिल रास्तों का वर्णन बहुत ही रोमांचकारी ढंग से किया है। तो स्टूडेंट, ये इनके पाठ का जो है परिचय हो गया। अब हम इस पाठ में जो उन्होंने लिखा है लहासा की ओर, जो वर्णन किया है, उसका हम आपको सार बताते हैं। यह लेखक की तिब्बत यात्रा का वर्णन है जो उन्होंने 1930 में करीब यात्रा की थी। जब उनको वहां जाने की अनुमति नहीं थी तो उन्होंने एक भिखारी का वेश धारण करके नेपाल के रास्ते जाकर उस यात्रा को पूरा किया। यानी वो भिखारी का वेश धारण करके नेपाल में गए, नेपाल के रास्ते मतलब चाइना तिब्बत में गए। इस मार्ग में यात्रियों को बहुत सारी मुश्किलें आती थी क्योंकि स्टूडेंट इसका रास्ता भी बहुत खराब होता था, वहां आने जाने में बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता था। और जब वो रास्ते में जाते थे तो उनको वहां खाने पीने के लिए, चाय नाश्ते के लिए भी दिक्कत होती थी। तो वहां पर उन्होंने एक चीज देखी कि चाय देने पर वहां की औरतें उन्हें चाय पकाकर दे देती थी। यानी जबकि अमूमन ऐसा नहीं होता, लेकिन लेखक के साथी थे एक सुमति, जो उनके साथ उस यात्रा में शामिल थे। यानी सुमति की जान पहचान से काफ़ी लोग उनकी राह में मिले, यानी उनके रास्ते में उनको काफ़ी लोग, जब उनके साथ एक परिचित व्यक्ति थे सुमति, तो उनके मिलने वाले काफ़ी लोग उनको मिले। तो थोड़ला के इलाके में, एक इलाका पड़ता है थोड़ला, तो थोड़ला के इलाके में खूब चोरियाँ होती थी। जब ये रास्ते से पार हो रहे थे तो रास्ते में चल रहे थे तो वहाँ एक इलाका था थोड़ला, तो उसमें बहुत, उस एरिया की जो खूबी थी कि वहाँ बहुत सारी चोरियाँ होती थी, डाकू किसी को भी मार डालते थे। और जब वहाँ उस यात्रा के दौरान लेखक ने जब एक घोड़ा किराए पर ले लिया तो घोड़ा थोड़ा धीमे धीमे चल रहा था और वे रास्ते में रास्ता भटक गए। यानी जब हम नए रास्ते पर जाते हैं, वहाँ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती, तो रास्ता भटकना स्वाभाविक सी बात है। तो कुछ देर वो जब सुमति के पास पहुँचे, यानी रास्ता भटकने के बाद जो उनके मित्र उनके साथ थे उनसे वो अलग हो गए, तो वो काफ़ी देर से उनके पास पहुँचे। अब एक जगह पड़ती थी लंकोर, जहाँ पर वो
यानी कि ये जो राहुल सांकृत्यायनी थे और उनके दोस्त थे सुमति, वो दोनों ठहरे हुए थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने अच्छा भोजन किया। टिडरी के मैदान से जब वे आगे बढ़े और उन्हें सुमति के यजमानों के घर जाने से रोका, यानी सुमति ने उन्हें एक्चुअल में जो जाना था तो उन्हें अपने जो यजमान होते हैं उनके घर जाना था, तो सुमति ने उनसे मना किया कि आप यहाँ इनके घर न जाइए, और उन्होंने कहा कि इस तरीके से मेरा नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि यजमानों के यहाँ से जो भी आपको पैसे और ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी उनके बदले में, यानी जो आप वहाँ गंडे वगैरह उनको देते हो उनके बदले में मैं आपको वो रुपए दे दूंगा। तो राहुल सांकृत्यायन जी इस बात से तैयार हो गए कि चलो सुमति से हमें जो वहाँ से पैसे मिलने थे वो हमें सुमति से मिल जाएंगे। तो अंत में उन्होंने शेखर विहार के मुखिया के सेन ने लेखक का अच्छा व्यवहार किया और यहाँ लेखक को हस्तलिपित पोथियाँ मिली, यानी जिनके यहाँ वो ठहरे हुए थे वहाँ उनके वो जो यजमान थे जो उनके पुरोहित थे उनकी बहुत सारी हाथों की लिखी हुई पोथियाँ उनको मिली, और हर पोथी बहुत बहुत मोटी पोथियाँ थीं, यानी भिक्षु नस्मे से विदा लेकर लेखक अपने आगे बढ़ गए। इस तरीके से उन्होंने ल्हासा यात्रा की एक हमें पूरी झलक बताई है इस चैप्टर में कि वहाँ का रास्ता कैसा था, रास्ते के साथ साथ वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ चोरियाँ बहुत होती थी, यजमानों के यहाँ उनको जाना था, उनके दोस्त उन्हें ये सारी सुविधा उनके दोस्त सुमति के रास्ते से माध्यम से मिली, जब आगे की रास्ता उन्होंने कैंसिल की तो उन्हें उसके बदले पैसे मिले, और पैसे मिलने के बाद में लास्ट में वो एक मुखिया के यहाँ गए, मुखिया के उन्होंने बहुत सारी पोथियाँ देखी, और ये सारी घटना का वर्णन उन्होंने इसमें चैप्टर में किया है। स्टूडेंट, तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, थैंक्स।